हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लाइफ में। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि खेती में थोड़ा बहुत बिजी हो गया था, इसलिए दिक्कतें आ रही थी वीडियो बनाने में, टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज बहुत दिनों बाद आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो मैंने जो आपको लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको कि हमारी एक काव बियानी बाकी है, वो काव बिया चुकी है और उसको आज एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है बियाने के बाद, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। अभी दिन का वो 26 लीटर मिल्क पे है, और जो बियाने के बाद कचरा करती है काव, वो भी अभी उसका चालू ही है। हमने उसको यूटराइन लिक्विड अभी चालू है उस काव को, क्योंकि जब तक उसका गर्भाशय साफ नहीं हो जाता तब तक हमें उसको वो दवाई पिलानी चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलो आपको मैं अब काव दिखा देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ये काव थी जो मैंने वीडियो बनाई थी कि ये बियानी बाकी है, और इस काव को हमने ABS के चामबुल का सीमेन लगवाया था हमने इसको। सबसे पहले ABS स्ट्राइकर का सेक्सेट सीमेन लगवाया था, फिर वो रिपीट कर गई और दो बार और रिपीट हुई, तो फिर हमने इसको कन्वेंशनल रख दिया। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया अडर डेवलपमेंट हुआ है इस काव का, और बियाने के बाद हमने इसको कुछ भी दवाई नहीं की थी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी। अगर आपकी काव को डिलीवरी करने में, बच्चा डिलीवर करने में दिक्कत आई हो तो उस काव को हमें कैल्शियम देना ज़रूरी है, और कैल्शियम में ट्रांसमिक्स करके आता है MSD कंपनी का, वो सबसे बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उसका। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और इस काव को हमने गुड़ दिया था बियाने के बाद, ताकि कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए, और इस काव ने बहुत ही प्यारी बछड़ी दी है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया बछड़ी है, और इस बछड़ी का तकरीबन बियाने के टाइम वेट होगा 40 से लेके 50 के बीच में वेट होगा। काव को हमने जब ड्राई काव बॉलस रखी थी, उसका फायदा ये है कि बछड़ी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है, जो भी बछड़ी या बछड़ा आए उसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है। आप देख पा रहे होंगे इसकी हाइट, इसकी लेंथ बहुत ही शानदार है। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम हम काव का ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छे फायदे रहते हैं। और मैं इस बछड़ी का एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ABS चामबुल के होने वाले बच्ची से क्या क्या फायदे होते हैं, और हमने जो ड्राई काव पीरियड में इस काव को जो बॉलस रखी थी उससे क्या क्या फायदे हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, तो आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। इस काव को मैंने ड्राई पीरियड में एक तो ट्रांजिशन मिक्स करके फीड आता है कारगिल का, वो दिया था, और उसके साथ दो चीज़ें और एड ऑन की थी। कंपनी मना करती है कारगिल कंपनी के हमारे फीड के साथ कुछ भी नहीं देने का, बट मैंने इसको दो चीज़ें और एड ऑन की थी। एक तो बाईपास फैट ऐड किया था, और EKRC लिक्विड आता है वो ऐड किया था। तो उससे EKRC लिक्विड का रोल है वो अडर का इम्यूनिटी बूस्टर है। तो
अदर में आपको बी आने के बाद कोई मस्टाइटिस की प्रॉब्लम और ये सब नहीं आए, उसके लिए मैंने इसको दिया था और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। और काओ फटाफट से मिल्क पे भी आ चुकी है, तो इस काओ से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।